हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi के टॉप 3 फोन्स के बारे में जो कि 10,000 से लेकर 20,000 तक की रेंज के अंदर आते हैं। और क्या कमाल धमाल ये फोन है, और ये फोन देख के आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि क्यों Xiaomi इंडिया का नंबर वन मोबाइल ब्रांड है। हालांकि 10,000 रुपए से नीचे की रेंज के मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, 4,000 की रेंज से लेकर 10,000 रुपए तक की रेंज के जो टॉप 5 फोन है Xiaomi के, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, उसको जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद। फिलहाल तो आज हम बात करने वाले हैं 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक की रेंज के अंदर Xiaomi के टॉप 3 फोन्स के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वाणी। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस फोन के बारे में बात करूंगा वो है इनका Redmi Note 6 Pro, और ये कमाल का फोन है। 11,999 रुपए के अंदर आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। एक मस्ट बाय फोन है, क्योंकि 11,000 की रेंज के अंदर जो स्पेसिफिकेशन Redmi Note 6 Pro ने दी है वो आज भी बड़े बड़े फोन्स को टक्कर देता है। हालांकि इसका एक दूसरा मॉडल है 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला, जो कि 15,999 रुपए का आता है। बिल्कुल भी उस फोन को मत लीजिएगा, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ये फोन वैल्यू फॉर मनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आज भी रियर में और फ्रंट में दोनों के अंदर आपको ड्यूल कैमरा देखने को इस फोन के अंदर मिल जाता है, और कमाल धमाल स्पेसिफिकेशन है। पूरी मैं डिटेल आपको स्क्रीन पे बता देता हूं ताकि आप साथ में स्पेसिफिकेशन देख भी पाए। शुरुआत करता हूं इसके प्रोसेसर के साथ। तो Redmi Note 6 Pro के अंदर आपको 1.8 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि Qualcomm Snapdragon 636 के चिपसेट है। SoC काफी स्ट्रांग है, साथ ही आपको Adreno का 509 का GPU देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसेसर और ग्राफिक्स दोनों ही आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं। 6.26 इंचेस की आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है, और आपको थोड़ा सा बड़ा नॉच इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, रियर और फ्रंट दोनों में आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है। तो रियर में आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि डेप्थ कैमरा जो है 2.2 के अपर्चर पे है, और जो 12 मेगापिक्सल कैमरा है वो f1.9 के अपर्चर पे है। तो वीडियो EIS का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरे की अगर बात करूं तो 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है, और f2.0 के अपर्चर पे है, तो काफी अच्छी सेल्फी आपको देखने को मिल जाएगी। 4000 mAh की मैसिव बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, साथ ही आपको 5V 2A का चार्जर देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इसके अंदर आपको क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो आप फास्ट चार्जर भी इसके अंदर लगा सकते हैं। जो दोस्तों देखने वाली बात है कि इसके अंदर आपको माइक्रो USB का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, तो आप अलग से जो है मेमोरी इसके अंदर नहीं लगा सकते हैं अगर आप दो सिम का यूज कर रहे हैं, और आजकल इंडिया में लगभग सभी लोग दो सिम का यूज करते हैं। वैसे 11,999 रुपए के अंदर एक बहुत अच्छा फोन है, और मैंने इसकी पिक्चर क्वालिटी भी देखी, हमने यूज भी किया इस फोन को, बहुत ही कमाल धमाल बुके इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो 11,999 रुपए के अंदर बहुत अच्छी बाय है, 15,999 के अंदर बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिएगा। उस रेंज में और भी काफी सारे अच्छे फोन अवेलेबल है, जैसे कि एक दूसरा फोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, Redmi Note 7 Pro, और 13,999 रुपए से स्टार्ट हो जाता है ये फोन। तो कोई क्यों लेगा Redmi Note 6 Pro 15,999 रुपए वाला। 13,999 रुपए के अंदर आपको Sony का IMX586 का फ्लैगशिप 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला, जो कि मैंने जैसा बताया 13,999 रुपए का, और 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, जो कि 16,999 रुपए का मिल जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन क्वालिटी की अगर बात करें तो 6.3 इंच के आपको फुल HD प्लस डॉट नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। ग्लास बैक है, जो देखने में काफी ग्लासी, काफी अच्छी लुक आपको देती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसका काफी फास्ट है, और दोस्तों ये आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 675 के प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर आपको Adreno का 612 का GPU देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल धमाल और स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है, चाहे आप पबजी गेम खेलें या फिर आप कोई भी अपना ऐप वगैरह यूज़ करें। 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलता है। क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट भी करता है, लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स 5V और 2A का आपको चार्जर देखने को मिलता है, यानी कि 10W का चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, Sony IMX का फ्लैगशिप सेंसर आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का, साथ में 5 मेगापिक्सल तो ड्यूल रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है, साथ ही 13 मेगापिक्सल का आपको AI से लेस फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिलेगा।
दोस्तों ये फोन आज की तारीख के अंदर 15,000 की रेंज की अगर मैं बात करूं 13,999 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 20,000 रुपए के फोन वालों को मतलब अलग अलग ब्रांड जो आते हैं उनको टक्कर देता है और डेफिनेटली काफी सारे फोन से अच्छा साबित हुआ है। और आज की तारीख में इसके आसपास भी कोई फोन नहीं है, एक फोन है उसका मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हम Xiaomi के फोन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको Xiaomi का फोन लेना है तो आज की तारीख में सबसे हॉट सेलिंग फोन है, सबसे बढ़िया फोन है ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर, ना सिर्फ Xiaomi में बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी फोन आज की तारीख में मिल रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ इसके दो ड्रॉबैक हैं, एक तो एक फ्लैश सेल के अंदर मिलता नहीं है, दूसरा इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलती है। 2019 के अंदर Xiaomi को यह समझना चाहिए कि इंडिया के अंदर लगभग सभी लोग जो है दो सिम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में एक अलग से मेमोरी कार्ड का स्लॉट जरूर देना चाहिए था इनको। और एक जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि बॉक्स के अंदर इनको फास्ट चार्जर देना चाहिए था, क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट आप दे तो रहे हैं लेकिन क्विक चार्ज 4 की जो सपोर्ट वाले चार्जर है वो इंडिया के अंदर आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। हालांकि Amazon और Flipkart पे भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में सपोर्ट का देना इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं आधी अधूरी बात रह जाती है। काश ये भी आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक फास्ट चार्जर देते तो डेफिनेटली काफ़ी एज होती। दो चीज़ें, हाइब्रिड सिम स्लॉट और एक आपका अगर चार्जर की बात करूँ, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं और साथ में अगर फ्लैश सेल के अंदर ये मिल जाए, अदरवाइज इससे बढ़िया फ़ोन आज की तारीख के अंदर मार्केट के अंदर नहीं है, ये मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ जो अपने आप में एक फ्लैगशिप किलर है और 845 का प्रोसेसर होना 19,000 रुपये मतलब 19,999 रुपये की रेंज के अंदर पोको F1 एक ऐसा फ़ोन है जो पिछले साल लॉन्च हुआ और अभी तक अगर मैं बात करूं तो 20,000 की रेंज के अंदर इससे बढ़िया फ़ोन शायद ही आपको देखने को मिलेगा। एक साल के बाद भी ये टॉप रैंक बना के रखा हुआ है 20,000 के आसपास की रेंज के अंदर। कमाल धमाल प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 845 का जो कि 2.8 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, सारी गेम्स स्मूथ चलने वाली है और इसके अंदर आपको थर्मल प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, मतलब लिक्विड कूलिंग देखने को मिलती है जो सोने पे सुहागा है। तीन मॉडल इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला, एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला और एक 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला। 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले में दो मॉडल आपको है, एक आपका 24,999 रुपए वाला और एक 25,999 रुपए वाला। दोस्तों मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 1,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो 19,990 में आपको 64GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलता है, वहीं 20,990 रुपए के अंदर आपको 128GB वाला स्टोरेज देखने को मिलता है। तो अगर 1,000 रुपये के अंदर आपको 64GB स्टोरेज एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको उस फोन के लिए जाना चाहिए। और बाकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता ही देता हूँ, तो इसके अंदर आपको 6.18 इंचेस की IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा आपको रेजोल्यूशन दे देता है। 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है जो कि 1.9 अपर्चर पे चलता है, तो काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आपको दे देगा। 20 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है और दोस्तों ये IR फ्रंट कैम है जो कि F.2 के अपर्चर पे चलता है और इसके अंदर आपको रेटिना जो है फेस अनलॉक देखने को मिलने वाला है जो काफ़ी सिक्योर है। 4000mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही एंड्रॉयड 9 पाई के एडिशन के साथ आता है जो कि अपडेट हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक अच्छी बात मुझे और इसके अंदर लगी दोस्तों कि इसके अंदर आपको LPDDR4X का सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये जो eMMC जो स्टोरेज होती है उससे लगभग 30-40% ज़्यादा फास्ट होती है, तो आपको रैम भी काफ़ी फास्ट देखने को मिल रही है, स्टोरेज भी काफ़ी फास्ट देखने को मिल रही है, प्रोसेसर तो अल्टीमेट है ही 845 का। दोस्तों इस फोन की अगर मैं कौन की बात करूं तो एक तो आपको वही MI का मतलब हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है जिसको शायद MI को अब दूर कर लेना चाहिए क्योंकि ट्रिपल स्लॉट इंडिया की एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट आ गई है, बेसिक हाइजीन के अंदर है, शायद ट्रिपल स्लॉट अब MI को अपने हर एक फोन के अंदर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा L1 वाइड वाइन का जो सपोर्ट है वो इसके अंदर आपको आप समझ गए होंगे, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर इतने सारे वीडियो बनाए हैं कि जो Amazon प्राइम है या Netflix है उसको आप फुल HD में नहीं देख सकते हैं, तो ये थोड़ी सी कमी हो सकती है, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि YouTube आप फुल HD में देख ही सकते हैं इसके अंदर। तीसरी अगर बात करूं तो इसके अंदर थोड़ी सी बॉडी जो है वो लोगों को पसंद इतनी नहीं आई क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, इतना आपको स्टाइलिश लुक नहीं देता है। 20,000 रुपये में जो आदमी फ़ोन खरीदता है थोड़ा सा प्रीमियम लुक चाहता है, तो अच्छा बैक कवर इस पर लगाइएगा। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, चाहे वो कैमरे की बात हो या प्रोसेसर की, डेफिनेटली आपको एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है 20,000 से नीचे की रेंज में, 20,000 के आसपास की रेंज के अंदर। आर्मर एडिशन इसका आता है 25,999 रुपये का, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा 5,000 रुपये खर्च करें क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों में Asus का Zenfone 6G जो है वो लॉन्च हो रहा है जो डेफिनेटली 30,000 के आसपास की रेंज के अंदर आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी अच्छी दे देगा।
बाकी इस वीडियो में हम किसी और के बारे में बात नहीं करते हैं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में नीचे लिखेंगे तो। तो दोस्तों ये थे वो तीन फोन जो 10,000 से 20,000 की रेंज में आपको डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी देंगे, और Xiaomi के वन ऑफ द बेस्ट फोन है, सुपर सक्सेसर फोन है, कोई भी फोन के अंदर कोई खास कमी नहीं है। और बाकी अलग से मैंने वीडियो तो बना ही रखा है 5,000 से 10,000 की रेंज के अंदर, वो आप जाके देख सकते हैं, लिंक जैसा मैंने बताया ऊपर मैंने दे ही दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, रेड बटन है उसको ग्रे कर दीजिए, बस ग्रे कर दीजिए यार। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।